Hello everyone, so today date is 8th March in 2024. We are going to solve some PYQs of physics, chemistry and biology as well. So first question we have is a thunder tap is heated 5.5 second after the lightning crash. एक थंडर टैप जो है, देखो जैसे आपने कई बार देखा होगा जब बारिश वगैरह आती है, आंधी बारिश का मौसम होता है, उस दौरान पहले आपको आसमान में बिजली दिख जाती है लेकिन जो उसकी कड़कन की आवाज होती है वो कुछ टाइम के बाद आपको सुनाई देती है, राइट? ऐसा आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, तो वही ये क्वेश्चन हमारे पास है उससे रिलेटेड. एक थंडर टैप जो है हियर 5.5 सेकंड के बाद, यानी लाइटनिंग फ्लैश के 5.5 सेकंड के बाद उस बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी. डिस्टेंस ऑफ फ्लैश इज, तो यहाँ पे हमें फ्लैश का डिस्टेंस बताना है कितना होगा. वेलोसिटी जो है साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन एयर इज कितनी है, वो 330 मीटर पर सेकेंड. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है 1815 मीटर. तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है. टाइम कितना दे रखा है, 5.5 सेकेंड. लेट स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू 330, ये दे रखा हमको. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे आप वो पुट करोगे आंसर आ जाएगा 1815 मीटर. कितना इजी क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है. ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हम ये रहा यहाँ पे इसका, ये क्लियर क्लैरिटी के साथ ही रखा है. क्वेश्चन क्या है, एक साउंड जो है इज प्रोड्यूस इन वाटर, एक साउंड जो है वाटर में प्रोड्यूस हुई एंड मूव्स टुवर्ड्स सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस ऑफ वाटर के टुवर्ड्स जो है उसने अपना जो है मोशन शुरू किया. एंड सम साउंड मूव्स इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो कुछ जो साउंड थी वो एयर में उसने मूव किया, तो वेलोसिटी बतानी है साउंड की. वाटर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर पर सेकेंड, दैट इन एयर में कितनी है, वो 330 मीटर पर सेकेंड. जब साउंड जो है मूव करती है वाटर से एयर की तरफ, देन इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वेवलेंथ यानी लैम्डा बतानी है वो कितनी होगी. मैंने क्या बोला, रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को. देखो एक साउंड जो है प्रोड्यूस, एक साउंड वाटर में प्रोड्यूस हुई, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स वो सरफेस ऑफ वाटर की तरफ उसने अपना जो है मोशन स्टार्ट किया. कुछ साउंड जो है वो मूव उसने कहाँ पे मूव हुई, वो एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना इन वाटर 1450, और कुछ जो है एयर में 330 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ. जब साउंड मूव करती है वाटर टू एयर, देन इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर क्या पड़ेगा. देखो ये चीज याद रखो कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम. फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब ये वॉटर टू एयर मूव करती है, ठीक है. तो वो क्या होता है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये होता है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, सो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी लैम्डा भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है. तो ये चीज है, ये मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी जो है 363 पेज नंबर पे आपको एक मिल जाएगा, ये हमारी 11th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी में 363 पेज नंबर पर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, वो रेजोनेट कर रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विद क्लोज्ड, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ. फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोज्ड, और तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें निकालनी है. क्या बोला मैंने, एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी जो कि एल लेंथ का है, रेजोनेट कर रहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर विद अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ, तो लेंथ निकालनी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की कितनी होगी. फॉर्मूला देखो कितना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि ओपन फ्रीक्वेंसी ओपन इज इक्वल टू क्लोज वाली इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन ट्वेल्व, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि वी अपॉन फोर, यहाँ पे क्लोज की बात हो रही है, तो यानी हमारे पास क्या होगा, क्लोज होता है ना एक दो तीन चार, ठीक है, फोर एल सी, यानी एल सी इज इक्वल टू आ गया एल अपॉन टू, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं,
एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है 4.4 मीटर डायमीटर का, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, 60 म्यू कूलम मीटर रेस्ट अपॉन -2। तो चार्ज बताना है स्फीयर के ऊपर कितना होगा, क्या बताना है, चार्ज बताना है स्फीयर के ऊपर। तो देखो सोल्व करते हैं, डायमीटर कितना दे रखा है 2r, ठीक है, यानी कि 4.4 मीटर हो गया, या हम लिख सकते हैं रेडियस कितनी आ गई 2.2 मीटर, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.2 मीटर आ गया। म्यू यानी कि डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं वो कितनी है, 60 म्यू कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन द स्फीयर यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू 4πr², ठीक है, ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला है, यानी कि सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, 60 इंटू माइक्रो कूलम से कूलम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेस्ट पावर इंटू 10 रेस्ट पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 इंटू पाई क्या होता है 22 अपॉन 7, रेडियस क्या है 2.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सोल्व करने पर आएगा 3.7 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3 कूलम, ये आ गया, क्या आ गया, 3.7 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3 कूलम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इंटेंसिटी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड होती है, किसकी इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू अ डायपोल, एक डायपोल के कारण इज रिलेटेड एज किससे रिलेटेड होती है, देखो इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ डायपोल वो क्या होगी, ई इज इक्वल टू पी अपॉन 4π ई नोट आर का क्यूब रूट 3 cos² थीटा प्लस 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, एज इट इज आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायपोल के कारण उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी अपॉन 4π नोट आर क्यू रूट 3 cos² थीटा प्लस 1, यानी कि इसका जब हम रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये है यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, थर्ड आ गया। नेक्स्ट देखो, एक अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी की 32 वीबर मीटर स्क्वायर वो पास कर रही है 3 पोलराइजर से, सच दैट जो ट्रांसमिशन एक्सिस है लास्ट पोलराइजर का वो क्रोस्ड विद दैट ऑफ वो पहले के साथ क्रॉस में है, तो इंटेंसिटी जो है फाइनल इमर्जिंग लाइट की वो कितनी है 3 वोट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी बतानी है लाइट ट्रांसमिट जो पहले पोलराइजर के द्वारा लाइट ट्रांसमिट हुई होगी वो बतानी है कितनी है। दोबारा से समझो, अनपोलराइज्ड लाइट जो है इंटेंसिटी 32 वीबर मीटर स्क्वायर की पास कर रही है 3 पोलराइजर के थ्रू, सच दैट जो ट्रांसमिशन एक्सिस है लास्ट पोलराइजर का इज क्रॉस विद दैट वो पहले के साथ क्रॉस में है, इंटेंसिटी जो है फाइनल इमर्जिंग लाइट की वो 3 वोट मीटर स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी बतानी है लाइट ट्रांसमिटेड पहले पोलराइजर के द्वारा कितनी जो है इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट करी गई है वो यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं, इंटेंसिटी जो है पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम फर्स्ट पोलराइजर, सबसे पहले पोलराइजर की हम बात करेंगे, फॉर्मूला होता है आई वन इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन बट कोस स्क्वेयर थीटा यानी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, यानी आई वन इज इक्वल टू 1/2 आई नोट यानी कि आ गया 32/2 इसको डिवाइड करेंगे आ गया 16 वीबर मीटर स्क्वायर आएगा इसका करेक्ट आंसर। When angle of incidence, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री सरफेस के ऊपर ऑफ अ ग्लास स्लैब, इट इज फाउंड दैट पाया गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड है, तो वेलोसिटी बतानी है लाइट की ग्लास में कितनी होगी। देखो सबसे पहले हम एयर टू ग्लास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, फॉर्मूला होगा टेंजेंट थीटा पी, वेयर ये थीटा पी क्या होता है पोलराइजिंग एंगल, यानी कि मैं यहां पे लिख सकती हूं ए जी इज इक्वल टू टेंजेंट कितना दे रखा है यहां पे हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है और सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू √3, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, सो वी जी इज इक्वल टू
सी अपॉन रूट थ्री, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यू होती है, आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं दी जाएगी। 3×10^8 मीटर होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में काम आती है, याद रहनी चाहिए। 3×10^8 अपॉन में रूट थ्री आ जाएगा, रूट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रूट 3×10^8 ये आ गया, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, दो वेव्स हैं हैविंग इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन ये दे रखी है, x1 इज इक्वल टू a sin omega t plus phi 1, दूसरी की x2 इज इक्वल टू a sin omega t plus phi 2। इफ इन द रिजल्टेंट वेव, अगर रिजल्टेंट वेव में जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है, किसके एम्पलीट्यूड के, जो सुपर इम्पोजिंग वेव है, दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही है, अगर इन इसके जो है एम्पलीट्यूड के इक्वल है रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, सो फेज डिफरेंस बताना है इनके बीच में कितना होगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, a इज इक्वल टू रूट a स्क्वेयर प्लस 2 a स्क्वेयर cos phi, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना है, यानी कि cos phi इज इक्वल टू -1/2, यानी phi इज इक्वल टू आ गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया 2π/3, ये phi जो है इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है मिथोक्सी इथीन का कौन सा होगा, तो ये अपना थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमारे पास न्यूट्रल है, यहाँ पे आपको कोई भी जो है चार्ज नहीं दिख रहा, कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, यानी इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, और न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है मिथोक्सी इथीन का वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल वन। नेक्स्ट देखो, पिक आउट द मोस्ट एसिडिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग, मोस्ट एसिडिक स्पीसीज यहाँ पे बतानी है, इसमें से कौन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास फोर्थ आएगा। देखो ये चीज याद रखो, जो एसिडिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, यहाँ पे इसके पास स्टेबिलिटी जो है दोनों तरफ से अच्छी खासी ज्यादा है, यानी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, तो एसिडिटी भी इसकी ही ज्यादा होगी, यानी कि ये हमारे पास फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी में पेज नंबर 344 एंड 346 पर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टॉपिक वहां पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो। विद अ चेंज इन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन बियरिंग द चार्ज, विद अ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बियरिंग द चार्ज, जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की वो इंक्रीज होती है किस ऑर्डर में, तो देखो वो किस ऑर्डर में इंक्रीज होगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, SPF सबसे पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड, ये ऐसी ऑर्डर है आपको याद रखना। मैं आपको बता दूं SP3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो एस कैरेक्टर होता है उसमें 25% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है, SP2 में वो 33% होता है और SP में 50% होता है, यानी सबसे ज्यादा। अब मैं आपको बता दूं कार्बन 9 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, कार्बन 9 जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन 9 की वो इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है स्टेबिलिटी कार्बन 9 की वैसे वैसे इंक्रीज होती रहती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ऑफ कार्बन बियरिंग द चार्ज, यानी SP3 SP2 SP। यहाँ पे मैं बताना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना इन C20H21NO2 में कितनी होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना किसमें, ये जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, तो देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है C+1 - H+X - N/2।
ये हाइड्रोजन, ये एक्स यहाँ पे यानी कि हैलोजन जो भी हमारे पास ग्रुप होगा, ये यहाँ पे एन यानी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले का आप जब यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। जो आइसोमेराइजेशन होता है एल्केन्स में कैन बी ब्रोट बाय यूजिंग, वो किसके द्वारा जो है आइसोमेराइजेशन जो है एल्केन्स में लाया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका थर्ड है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की मदद से। ये आपको याद रखना है, आइसोमेराइजेशन इन एल्केन्स कैन बी ब्रोट बाय यूजिंग एनहाइड्राइड AlCl3 एंड HCl। ये मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में, क्लास 11th एनसीईआरटी में पेज नंबर 382 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 382। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड ईल्ड, कौन सा इनमें से एल्केन जो है वो एक अच्छी खासी ईल्ड में नहीं बनाया जा सकता वुड्स रिएक्शन की मदद से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, एन हेप्टेन कभी भी गुड ईल्ड में नहीं बना प्रोड्यूस हो सकता वुड्स रिएक्शन की मदद से। याद रखोगे आप, देखो जो सिमेट्रिकल एल्केन होता है विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो सिर्फ वही जो है वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर हो सकता है। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ जो सिमेट्रिकल एल्केन होते हैं जिनका जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम वुड्स रिएक्शन की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड है, एनसीईआरटी में 11th क्लास की पेज नंबर 379 पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अरेंज करना फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में अरेंज करना है इनको। देखो करेक्ट यहां पे हमारे पास ऑर्डर आएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑर्डर आ गया। ऑर्डर ऑफ, अगर मैं आपको बताऊं इजीली, अगर आप इसको याद रखना चाहो तो जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी में आप इसे पेज नंबर 347 पर भी देख सकते हो इस टॉपिक को। नेक्स्ट, या कंपाउंड विद C4H11N एज मॉलिकुलर फॉर्मूला कैन एग्जिबिट, जो कंपाउंड होता है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H11N होता है कैन एग्जिबिट, वो क्या एग्जिबिट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी आएगा, ऑल ऑफ दिस, पोजिशन पोजिशन आइसोमेरिज्म भी, मेटामेरिज्म भी और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी, सारे जो है आइसोमर्स आइसोमेरिज्म जो हर प्रकार की इसमें पॉसिबल है किसमें, C4H11N में। और ये जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 340 पर आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, कितने पोजीशन आइसोमर्स जो है पॉसिबल है डाई नाइट्रोटोलुइन के लिए। तो डाई नाइट्रोटोलुइन के लिए 6 जो है पॉसिबल आइसोमर्स जो है हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है डाई नाइट्रोटोलुइन के लिए 6। याद रखो भाई इनको, आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में पेज नंबर 340 पर आपको मिल जाएगा। Which one amongst the given perform function of nutrition and is synchial in typical microsporangium? तो कौन सा हमारे पास आएगा, देखो टेप्टम, जब भी यहाँ पे नरिशमेंट की बात आ जाए, न्यूट्रिशन की या फिर नरिशमेंट की बात आ जाए, तो आपको याद रखना है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ टेप, यहाँ पे डी ऑप्शन भी था हमारे पास, मिडल लेयर्स,
ठीक है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेप्टम होता है। देखो जो आउटर तीन थ्री वो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। इन तीनों का काम होता है, क्या काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और एंथर के डाइसेंस में, यानी कि एंथर का डाइसेंस क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन रिलीज हो, ये उसको बोलते हैं, इन तीनों लेयर का वो काम होता है। जो इनर मोस्ट वो लेयर होती है वो होती है टेप्टम, जो मैंने अभी ऑप्शन में बताया, ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जो सेल्स होते हैं टेप्टम के वो पजेस करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म और जनरली है मोर देन, और जनरली उनके पास मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट, जो पोलन ग्रेन है वो किस स्टेज पे लिबरेट होता है ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है टू और थ्री सेल स्टेज, दो या तीन सेल स्टेज पे जो पोलन ग्रेन है वो लिबरेट होता है। देखो इन ओवर 60% ऑफ जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पोलन ग्रेन जो है वो टू सेल स्टेज में शेड होता है। क्या बोला मैंने, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो पोलन ग्रेन होते हैं वो शेड होते हैं एट दिस टू सेल स्टेज। रिमेनिंग स्पीसीज में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होते हैं माइटोटिकली टू गिव राइज टू दो मेल गैमेट को राइज करने के लिए बिफोर पोलन ग्रेन, इससे पहले कि पोलन ग्रेन शेड हो जाए, यानी कि थ्री सेल स्टेज में। 12th क्लास की एनसीईआरटी में बायोलॉजी यानी कि पेज नंबर 7 पर आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू, ठीक है। एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, एंथर जो टेट्रा बिल्कुल ठीक है, टेट्रागोनल होता है एंथर का स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे होता है ना, दो तीन चार। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, बिल्कुल ठीक है, दो लोब्स होते हैं ना उसके पास, तो ये भी ठीक है, ट्रू है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर टेट्राथीशियस, गलत है, डायथीशियस होता है वो, डायथीशियस या बायथीशियस उसको बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो है डायथीशियस होता है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंड पोलिनेशन जो है रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, यही आपको याद रखना है। विंड पोलिनेशन रिक्वायर करती है पोलन ग्रेन्स को जो कि लाइट होते हैं। नई एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी तो खैर क्या है, एनसीईआरटी बायोलॉजी में पेज नंबर 13 पे आपको इससे रिलेटेड, ये वो चैप्टर अपना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म का, क्या बताना है, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बताना है एंजियोस्पर्म का कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड है वो सेवन सेल्ड एट न्यू, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको रट लो, वो कैसा होता है, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट होता है क्या एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, तो कैसा होता है, ये हमारे पास है और ये तीन होते हैं ऊपर इसको वो सिनर्जिड्स, ठीक है, ये हमारे पास सिनर्जिड होते हैं, ये होते हैं एंटीपोडाल्स, दो पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि आठ न्यूक्लियस हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लेकिन तीन छः ये तो हो गए, लेकिन इसको हम पूरे को एक सेल कंसीडर करते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई वाले को अलग नहीं मानते, हम सेंट्रल सेल को एक ही मानते हैं, यानी कि वो सेवन सेल एट न्यूक्लिएट हो गया। पेज नंबर 11 पर आप चेक कर सकते हो एनसीईआरटी के, ठीक है, इसी चैप्टर के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन रेटिनेंट पार्ट व्हेन टिश्यू इज ग्राइंडेड विद ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, कौन सा जो है इसमें से ऑब्जर्व किया जाएगा रेटिनेंट पार्ट में जब टिश्यू को हम ग्राइंड कर देंगे ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है एक प्रोटीन होता है, आपको एज इट इज याद रखना, क्लास 11 पेज नंबर 104 पे आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी एनसीईआरटी में। सेलुलोसिस पूछा गया है, सेलुलोस क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, यूजली फाउंड इन कॉटन फाइबर और वुड में पाया जाता है, क्या सेलुलोस, कहाँ पे, सेलुलोस इज यूजली फाउंड इन कॉटन फाइबर एंड वुड, तो सारे वैसे क्वेश्चन है हमारे पास ये, ऑब्वियसली बायोलॉजी में तो आपको रटनी है, रटने होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है थायमिन इज प्योराइन, पिरिमिडाइन्स यूजली कंटेन टू नाइट्रोजन, यहाँ पे दो ऑप्शन वैनिश हो रखे हैं। देखो स्टेटमेंट वन बिल्कुल इनकरेक्ट है, थायमीन जो है थायमाइन एक प्योराइन नहीं होता, और बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है कि पिरामिडिन यूजली कंटेन करता है दो नाइट्रोजन उसके रिंग में,
थायमिन जो है पिरिमिडीन है। पेज नंबर 105 जो है एनसीईआरटी में वहां पे आप इस लाइन को देख सकते हो कौन सा आएगा लिपिड्स। नेक्स्ट है माउथ विद रेड्यूला इज फीचर। माउथ विद रेड्यूला किसका फीचर होता है? माउथ विद रेड्यूला इज अ फीचर ऑफ, इनमें से कौन से का फीचर है? वो पिंटाडा का फीचर है। पेज नंबर 44 मिल जाएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। पेज नंबर 44 ये हमारा उससे वो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से है, ठीक है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। प्लेसोइड स्केल्स और एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इज फॉर्म्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, तो किसमें पाया जाएगा ये? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कोलियोडोन्स, कोलियोडोन में ये पाया जाता है। सेम उसी चैप्टर से 47 पेज नंबर पे क्लास 11th की एनसीईआरटी में। विच एनिमल इज होमियोथर्मियस हैविंग मेमरी ग्लैंड, कौन सा एनिमल जो होमियोथर्मियस यानी कि मतलब वॉर्म ब्लडेड इसको हम बोल सकते हैं, जिसके पास मेमरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, कौन सा होता है? तो टेरोपस होता है ये। देखो ये एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 11th क्लास के ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखो इन चैप्टरों में आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, उनके जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उससे ही क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, जैसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो टेरोपस करेक्ट ऑप्शन है क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी में। पेज नंबर 50 पर आपको ये लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है कौन सा है। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट मैच है मैक्रोपस रेप्टाइल, देखो किलोन रेप्टाइल होता है, ठीक है। साइटकुला एविस होता है, काइटोफिस जो है एम्फीबियन होता है, लेकिन ये मैक्रोपस जो है रेप्टाइल नहीं होता, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी क्लास 11th पेज नंबर 50 पे आपको मिल जाएगी लाइन लिखी हुई। नेक्स्ट है विच इज अ लिम्बलेंस एम्फीबियन, ये बताना है कि लिम्बलेंस एम्फीबियन कौन सा, यानी कि जिसके पास लिम्ब वगैरह नहीं होते, हाथ पे नहीं होते, तो करेक्ट ऑप्शन है काइथोफिस। काइथोफिस जो है इसका करेक्ट आंसर है, काइथोफिस एक लिम्बलेंस एम्फीबियन होता है। ये एक्सेप्शन जो है केस होता है, तो एक्सेप्शन चीजें तो वैसे भी काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो पेज नंबर 49 पे 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी वहां पे आपको मिल जाएगी लाइन, एनिमल किंगडम चैप्टर से है। नेक्स्ट एनिमल्स हैविंग स्पाइनी बॉडी, एनिमल्स जिनके पास स्पाइनी बॉडीज होती है, जिनके और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बिलोंग टू फाइलम, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो काइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, जिनकी स्पाइनी बॉडी होती है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बिलोंग टू फाइलम काइनोडर्मेटा, क्लास 11th बायोलॉजी पेज नंबर 45 पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? काइनोडर्मेटा। तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।